राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधों की पत्तियों में जो सिकुड़न आती है रूजी की वजह से, या जिसे आप थ्रिप्स या रूजी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम आपको ये बताएंगे ये पत्तियों में जो सिकुड़न है, ये गेंदे का पौधा देख रहे हैं आप, और गेंदे की पत्तियों में बहुत ज़्यादा ही सिकुड़न है। तो आप इस प्रकार की आपकी यदि फसल में कोई समस्या है तो आप इसके लिए फिप्रोनिल, जो कि बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रीजेंट के नाम से आता है, इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो फिप्रोनिल 5% SC होता है। आप इसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें तो आपकी पत्तियों में सिकुड़न दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, आगे वीडियो पर बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फसलों संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेंदे की फसल है, गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, और इनके पौधों में आप देख पा रहे हैं पत्तियों में सिकुड़न है। यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो आप सबसे पहले आप बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो कि रीजेंट के नाम से आता है, इसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो आपके पत्तियों में सिकुड़न की समस्या दूर हो जाएगी। पत्तियों में सिकुड़न क्यों आती है? क्योंकि इसकी पत्तियों में थ्रिप्स, जिसे आप देसी भाषा में रूजी कह सकते हैं, का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि इन पत्तियों के रसों को चूस कर इन्हें जो है कमज़ोर बनाती हैं, इसलिए ये पत्तियाँ ऐसी होने लगती हैं और इन पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में ऐसी कोई समस्या है तो आप बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से जो दवा आती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बायर कंपनी के अलावा ये अदामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगाड़ी के नाम से आती है। किसान भाइयों, फिप्रोनिल 5% SC आपको जिस भी किसी अच्छी कंपनी का मिल जाए, किसान भाइयों, आप लेकर अपनी खड़ी फसल पर 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो आपकी पत्तियों में सिकुड़न अथवा थ्रिप्स की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान।